चांदीवली पश्चिम के पारिक नगर में बने इस अवैध टर्फ क्लब पर एनसीपी के चारकोप तालुका अध्यक्ष कैलाश राव देशमुख ने फिर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। यह देखिए, बरसात के मौसम में यह टर्फ क्लब अचानक धराशायी हो गया। संयोगवश जिस समय यह टर्फ क्लब गिरा उस समय कोई खिलाड़ी अंदर नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ दिनों पहले ही इस 50,000 स्क्वायर फीट में अवैध रूप से बनाए गए टर्फ क्लब को लेकर स्थानीय मनपा में शिकायत कैलाश राव देशमुख ने दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अचानक एक दिन बरसात में यह टर्फ क्लब देखिए धराशायी हो गया। संयोगवश उस समय कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कैलाश राव देशमुख ने इसके पास ही बने रोड पर भी सवाल उठाया है। स्थानीय मनपा इस रोड को मरम्मत नहीं कर रही है, कार्य नहीं कर रही, जिसके लिए आसपास के लोगों को तकलीफ होती है। आइए हम आपको सुनाते हैं इस संबंध में टर्फ क्लब और स्थानीय रोड को लेकर, पारिक नगर के रोड को लेकर एनसीपी के नेता कैलाश राव देशमुख ने और क्या कुछ कहा है। देखो, 2005 में जब हमारे सब राष्ट्रवादी के नेतागण आए थे और स्वामी विवेकानंद में कार्यक्रम हुआ था, तब ये रोड बनाया गया था। उसके बाद में ये रोड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। 3 महीने पहले की बात है, यहाँ के जो स्थानिक है, ये गाड़ी चलती है ना तो इसका फत्तर उनको माथे पे लगा और एक टाका गिर गया। मैं यहाँ के नगर सेवक, खुद कैलाश राव देशमुख राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चारकोप विधानसभा अध्यक्ष, मैं नगर सेवक को ये बताना चाहता है कि आप वोट लेने के लिए आते हैं, आमदार को इसको समझना चाहिए कि इस रोड को कैसा बनाना चाहिए। अभी 3 दिन पहले यहाँ पर जो क्रिकेट का है वो गिर गया, अगर वो बच्चे लोग उसका हिस्सा होता तो कौन जवाबदार। मुंबई शहर के अंदर रास्ते के ऊपर रहकर भी यहाँ के स्थानिक लोग पत्थर का माहौल में पत्थर खाना पड़ता है। बाजू में कई लोग वहाँ पर कार्यक्रम होता है तो उसका आजू बाजू को तकलीफ। ये स्थानिक लोग है, कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। तो मैं एक नगर सेवक, आमदार और स्थानिक बीएमसी वार्ड ऑफिसर और डीएमसी को ये बताना चाहता हूं कि तुम लोग यहां घर बनता है तो उसको तकलीफ देते हैं। 1+1 बांधता है, बच्चे बड़े हो गए कहाँ जाएंगे, उसके लिए कायदा। और 50,000 स्क्वायर फुट का बांधकाम किया उसके ऊपर केस होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। वार्ड ऑफिसर, स्थानिक नगर सेवक, आमदार को मालूम नहीं है क्या हो रहा है ये, लेकिन नहीं करना नहीं है। एक अंग्रेज के टाइम के जुल्म, लोगों को यहाँ पर जुल्म करना, यहाँ के लोगों को दबाना, डराना और अपना रोटियां सेकना है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम चेतावनी देते हैं, नरेंद्र राणे जी, गठ नेते राखीताई यादव, इनके भी कान पे डाला हूँ, मिनिस्टर लोग के कान पे डाला हूँ कि यहाँ पर रहवासी को तकलीफ होना नहीं चाहिए। आपने शिकायत किया था कि शिकायत किया ना हमने, आज तो नितिन भाई पारेख ने हाईकोर्ट से ऑर्डर आया है कि इसको तोड़ना ही पड़ेगा। नगर सेवक क्या करते हैं मालूम नहीं है, वोट लेने के लिए इधर आ जाते हैं। साहब, उनको काम है ना हमारे जैसा करना चाहिए। कैलाश राव देशमुख ने कभी राजनीतिक नहीं किया, केवल समाज के हित में सब्जी 1.5 साल बांटा, हर चीज वहां पर मैं बांटता, दवाइयां, मैंगो, लेकिन हम उसके पीछे राजनीतिक कभी नहीं किया। ये पारेख नगर में मेरा ऑफिस है, ये कहाँ पर क्या करते हैं मुझे क्यों नहीं, किसी को भी ओढ़ दो, मैं उसके बारे में कभी नहीं बोलता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भी राजनीतिक नहीं करे, ये रहवासी के साथ में क्या राजनीतिक करते हो। वो बेचारे ऐसे ही अपने कोरोना के माध्यम से 2 साल तकलीफ उठाया, उसके बाद में तुम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। तो ये महानगर पालिका, एक पहली बात महानगर पालिका, सेकंड स्थानिक नगर सेवक का ये काम है। ये फंड कैसा लिया, वो बांधकाम जो बाथरूम का था वो भी मुझे मालूम है, लेकिन जहाँ समाज का हित का बात आता है वहाँ पर नो सेटलमेंट, ऐसे ये लोग काम नहीं करेंगे। मैं ये टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इनको इशारा दे रहा हूँ, महानगर पालिका,
स्थानीय नगर सेवक और आमदार कि यहाँ पर क्या चल रहा है इसका ध्यान दे, ये रोड तो बनाओ पहले, लोगों को वो जो सीनियर सिटीजन चलेगा कैसा इसके ऊपर। हाँ हादसा कम से कम 6 महीने में 3 से 4 बार होएला है यहाँ पर हादसा। मीडिया के माध्यम से मैं आपको इन लोगों को इशारा देता हूँ, पहला 50,000 स्क्वायर फुट तोड़ डालना और एक भी यहाँ के रहवासी को तकलीफ दिया वन प्लस वन कुछ बनाने में, तो याद रखो ये सारे रहवासी अभी जाग चुके हैं, पता चल गया इनको सच क्या है। और नितिन पारेख जो है बहुत अच्छे आदमी हैं, जो पारेख नगर का सेट है बहुत अच्छा है लैंडलॉर्ड, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, वो भी बहुत सहयोग करते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ तक ये बात पूछे, बस यहीं पर रुकता हूँ। किरण भाई ये रोड कितने समय से यहाँ पे रुका? बहुत साल से हो गया है, इतना बिगड़ा हुआ है, आदमी लोग को चलने का प्रॉब्लम रहता है, रिक्शा का तो आने जाने का ही बंद ही है, स्कूल के बच्चे लोग को भी प्रॉब्लम रहता है। इधर खाली हम लोग ने लोकल लोग ने ऐसा ही खाली स्कूटर का परमिशन दिया है, वो भी इसके लिए कि बच्चे लोग हैरान नहीं हो गए, रोड होएगा करके बहुत साल हो गए कुछ रिपेयर नहीं हुआ है। ये इधर के स्थानीय वासी को जाना होगा, आमदार से आप लोगों ने शिकायत बातचीत किया, उन लोग को मालूम भी है, लोग ने बोला कि जो रोड नहीं बने तो फिर आप रोड बंद ही रखो, अगर रोड बन जाएगा ना इधर ट्रक वगैरह सब आना जाना रहेगा, इधर आजू बाजू का रहने वाले का कांच टूटता है, टीवी टूटता है, बच्चे लोग को लगता है, बहुत परेशानी हो जाता है। तो रोड करने का तो फिर अच्छा करने का, और दोनों साइड से रोड का जो आने जाने का है ना वो सरीका रहेगा तो रोड बनने का, नहीं तो रोड नहीं रहेगा तो भी चलेगा। हम लोग को बोला था आप लोग को बिल्डिंग बांध के देगा, बिल्डिंग नहीं बांधा, उधर क्रिकेट का टर्फ बांध दिया, इधर लाइट का भी सुविधा नहीं है बीएमसी की तरफ से, वो आज करेगा कल करेगा, कम से कम 20-25 साल ऐसे ही निकल गया, तो वो होना जरूरी है। इसमें सारे रहवासी साथ में हैं, आगे की मोर्ची की तैयारी है, और मेरे सहयोगी विनोद पांडे जी, विनोद सिंह जी, मुनीप पांडे जी, गुप्ता जी, ये सारे सहयोगी है हम लोग, और आगे की कार्रवाई आपके मीडिया के माध्यम से हो जावे, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे का कार्रवाई हम सब लोग मिलकर धरना या तो मोर्चा होगा महानगर पालिका के ऊपर। धन्यवाद।